स्क्रीन शेयर। चलिए हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज वन के बारे में। एक्सरसाइज वन चलिए हम बात कर रहे हैं एनएलएम ना। एक्सरसाइज वन पार्ट वन का क्वेश्चन नंबर ए वन। चलिए ए वन क्या कह रहा भाई। विच टाइप ऑफ फोर्स डज नॉट अ प्रोटॉन एक्सर्ट ऑन अ प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस। प्रोटॉन प्रोटॉन के ऊपर है ना। विच टाइप ऑफ डज प्रोटॉन, सॉरी, तो देखो प्रोटॉन में क्या होता है, आपको ये मालूम है कि मान लो ये न्यूक्लियस है और इधर इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इसमें प्रोटॉन भी है ना, और न्यूट्रॉन भी है। तो प्रोटॉन में क्या होता है, मास भी होता है प्लस ई चार्ज भी होता है। तो मास भी होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है ही, साथ में मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एफ जी होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा, साथ में इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स भी होता है। तो यहाँ जो न्यूक्लियर फोर्स होता है दरअसल वो किस नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो एक दूसरे को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करके रखता है इनको, है ना। इसका मतलब इसमें तो तीनों फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होता है और न्यूक्लियर फोर्स भी होता है। क्योंकि देखो नेचर में फोर फंडामेंटल फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, फोर फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियर फोर्स की, जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इसकी रेंज काफी कम होती है, 2 फेमटोमीटर तक ही होता है ना, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा होता है वीक फोर्स, और फोर्थ होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स है वीक फोर्स, है ना, वीक न्यूक्लियर फोर्स भी इसको बोलते हैं। ये फंडामेंटल फोर्स हमारे पास में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है न्यूक्लियर फोर्स, फिर उसके बाद में उससे कम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर उससे कम होता है वीक फोर्स, फिर उस सबसे कम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इसमें वीक फोर्स तो होता नहीं है, लेकिन ये तीनों फंडामेंटल फोर्स होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये हो गया एक तुम्हारा। नेक्स्ट हमारे पास में ए थ्री। ए थ्री में क्या हो रहा है, टू फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एक्ट ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन टू कीप इट एट इक्विलिब्रियम पोजिशन, इज दिस ट्रू अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। नहीं, देखो अगर कोई भी बॉडी आपने लिया मान लो, और इस पर अगर एक फोर्स इधर लग रहा है एफ और उतना ही फोर्स अपोजिट में लग रहा है एफ, तो इस पर नेट फोर्स जीरो है, लेकिन आप देख रहे हो कि एक ही बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं, जबकि हमने क्या पढ़ा था थर्ड लॉ क्या था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन बट दे विल बी एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। इसका मतलब ये है कि न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ ट्रू नहीं है। इज दिस ट्रू अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ? नहीं, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये ट्रू नहीं है। ओके, तो नो आंसर है इसका। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास में ए फाइव। ए फाइव क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg प्लेस्ड ऑन ग्राउंड। मान लो हमारे पास में ये ग्राउंड है,
और ये बॉडियां हैं, ये 1 kg मास इसका दिया हुआ है और ये कह रहा है कि पुल्ड बाय स्ट्रिंग अप्लाइंग अ 10 न्यूटन फोर्स। एक स्ट्रिंग है जिस पर हम लोग ऊपर की तरफ 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जी की वैल्यू यहाँ 10 दिया तो डाउनवर्ड, इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा, एम इंटू जी लग रहा होगा, ये इसका मास एम है तो एम कितना है 1, जी कितना है 10, कितना हो गया 10 न्यूटन। तो अगर इसका आप एफपीडी बनाओ तो मान लो अगर ये कॉन्टेक्ट में है तो यहाँ नॉर्मल फोर्स भी होगा, तो नॉर्मल फोर्स इस बॉडी को यानी सरफेस को किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। मान लेते हैं एन डैश है ग्राउंड को, यही नॉर्मल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एन डैश है डाउनवर्ड, इसको वेट लगी रहा है क्योंकि ये वेट कितना है यहाँ, यहाँ 10 न्यूटन है, यहाँ जो फोर्स अप्लाई किया हुआ है एक फोर्स एफ वो 10 न्यूटन है, ये दरअसल एफ है मान लेते हैं। क्या कह रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg प्लेस्ड ऑन ग्राउंड इज प्लेस्ड इज पुल्ड बाय स्ट्रिंग बाय अप्लाइंग 10 न्यूटन फोर्स। दो एफबीडी ऑफ ब्लॉक बिल्कुल ड्रॉ कर दिया। फिर गिव एक्शन रिएक्शन पेयर इन्वॉल्व्ड इन द अबव प्रॉब्लम। एक्शन रिएक्शन पेयर, तो आप देख रहे हो कि इसमें एन डैश क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, बाकी कुछ नहीं है, है ना। और अगर मान लो अब मैं पूरे अर्थ को कंसिडर करता हूँ तो चलो वो भी समझ लेते हैं। मान लो ये अर्थ है ना, और ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, यहाँ ये अर्थ है हमारे पास में। अगर इसका एबीडी बनाओ तो एबीडी जब आप बनाओगे तो कैसा बनेगा, ये अर्थ है, इसको ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, तो आप देख रहे हो कि यहाँ देखो इसको ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, एन डैश, इसको एक फोर्स और लग रहा है एफ, इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है डब्ल्यू, और इसको यहाँ क्या लग रहा है एन डैश। हाँ अब क्या होगा, लेकिन अर्थ को, अर्थ अगर इसको डब्ल्यू से नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो ये ब्लॉक भी अर्थ को सेंटर पे ऊपर की तरफ डब्ल्यू से अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो यानी इस डब्ल्यू का अगर ये एक्शन है तो रिएक्शन कहाँ है, अर्थ के सेंटर पर है। तो यहाँ एन डैश और एन डैश जो लग रहा सरफेस पर है दोनों क्या है, एक्शन रिएक्शन है, और उसी तरह इस ब्लॉक पे जो डब्ल्यू लग रहा है और अर्थ के सेंटर पे जो डब्ल्यू लग रहा है ये एक्शन रिएक्शन है, और एफ और एन डैश ये एफ जो है वो इसका कोई रिएक्शन फोर्स है ही नहीं है, ठीक है। इसने पूछा गिव एक्शन रिएक्शन पेयर इन्वॉल्व इन द अबव प्रॉब्लम, तो जो नॉर्मल फोर्स है ना, लेकिन इस केस में अगर देखा जाए तो नॉर्मल की वैल्यू क्या रही, यहाँ देखो ये ब्लॉक इस नॉर्मल, देखो इस पर नॉर्मल कितना आ रहा है, इसका एबीडी बनाया तो आप देखो एन डैश क्योंकि ये रुका हुआ है तो एन डैश प्लस 10 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यानी एन डैश, या मेरे कहने का मतलब है कि एन डैश प्लस एफ इक्वल टू क्या होना चाहिए डब्ल्यू। आप देख रहे हो कि एन डैश की वैल्यू क्या आ गई, 0, तो एन डैश की वैल्यू तो 0 आ गई, यानी एन डैश भी एक्शन रिएक्शन की बात भूल जाओ, है ना। और अगर अर्थ को भी कंसिडर करेंगे तो वेट क्या होगा, यहाँ एक्शन रिएक्शन होगा, क्लियर है। तो आंसर क्या होगा इसका, ग्रेविटेशनल बिटवीन अर्थ एंड ब्लॉक, बस वही आंसर है, बाकी नॉर्मल तो 0 हो ही गया, तो बस कौन सा आंसर सही है फिर हमारा, डब्ल्यू वाला, क्योंकि डब्ल्यू अगर एक्शन है इस ब्लॉक पे जो लग रहा है तो इसका मतलब ये रिएक्शन है, और अगर ये रिएक्शन है तो फिर ये एक्शन है, तो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ क्या हो जाएगा वेट, जो कि एक्शन रिएक्शन पेयर में है, या ग्रेविटेशनल फोर्स। सर यहाँ टेंशन नहीं आएगा? नहीं नहीं टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि वो तो एफ लगाया है ना उसने, यहाँ वो कहीं से थोड़ी है, केवल जो टी ये उसने यही बता दिया कि इतना ही है यहाँ तक, उसके आगे की बात ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ जो टेंशन लगा है वो 10 न्यूटन ही कह रहा है, वो बाकी की बात ही नहीं करी उसने, ठीक है ना। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में A6 हो गया क्या, A6 हो गया क्या, बताने की जरूरत नहीं ना, A6 अगर हो गया तो A7 पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में हाँ बोलो सर, A6 का एक्शन रिएक्शन पेयर बताइए ना। बताते हैं चलो कर ही देते हैं ना। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ, दो फ्री बॉडी डायग्राम्स फॉर मासेस एम एंड कैपिटल एम शोन इन फिगर।
इनिशियल आइडेंटिफाई ऑल एक्शन रिएक्शन पेयर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स कह रहा है केवल टू बिट है ना बिटवीन टू ब्लॉक्स द पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस एंड ऑल सरफेसेस आर स्मूथ. तो ब्लॉक्स की बात कर रहा है सिर्फ किसकी बात कर रहा है सिर्फ ब्लॉक की बात कर रहा है. चलो भाई ये हमारे पास में सिस्टम दिया है यहाँ ये फिक्स है ये ब्लॉक है और एक मिनट यस है इसका मास एम है और इसका मास कैपिटल एम है. इसने क्या कहा लेकिन आइडेंटिफाई ऑल एक्शन रिएक्शन पेयर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स का है ना बिटवीन टू ब्लॉक्स दोनों ब्लॉक के बीच में बताना है कि एक्शन रिएक्शन क्या है बाकी की बात नहीं कर रहा है. तो यहाँ देखो इस ब्लॉक का देखो इसको मान लेते हैं कि ये ए ब्लॉक है इसको मान लेते हैं बी ब्लॉक है दोनों का एफबीडी बना रहा हूँ. ये हमारे पास में ए ब्लॉक है तो इसको देखो डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा ये एंगल मैंने मान लिया कि थीटा है तो डाउनवर्ड इसको क्या लगेगा यहाँ एम जी लगेगा. तो अगर एम जी क्योंकि आपको ये मालूम है कि अगर इसको यहाँ एम जी लग रहा है इसको आगे एक्सटेंड करो आप ये एंगल कितना हमारे थीटा है तो ये हमारे पास क्या लग रहा है एम जी लग रहा है इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा. तो ये एंगल कितना होता है 90 माइनस थीटा तो एंगल कितना होता है यहाँ थीटा तो एम जी का एक कंपोनेंट क्या होगा यहाँ एम जी साइन थीटा और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा यहाँ एम जी कॉस थीटा और इसको यहाँ से जो नॉर्मल लग रहा है वो एन होगा है ना ऐसा ही कुछ है. तो यहाँ भी मैं रिजोल्व कर लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड एम जी कॉस थीटा और इसको इधर की तरफ क्या लग रहा होगा टी और यहाँ इसको वर्टिकल में क्या लग रहा होगा एन डैश मान लेते हैं है ना. ये तो इस ब्लॉक का हुआ अब इस ब्लॉक का भी देख लो आप इसको इधर की तरफ क्या लग रहा होगा कैपिटल एम जी साइन थीटा इधर की तरफ क्या लग रहा होगा इसको कैपिटल एम जी कॉस थीटा और इधर की तरफ इसको क्या लग रहा है टी लग रहा है ओके. तो यहाँ इसको नॉर्मल इधर की तरफ लग रहा होगा ना यहाँ ये एन डैश है यानी इन दोनों के बीच में जो एक्शन रिएक्शन पेयर है वो केवल एनडीएच ही है बाकी कुछ नहीं है. अरी बात समझ में तो यही है और इधर से भी इस सरफेस से भी लग रहा होगा इंक्लाइन प्लेन से वो एन डबल डैश है. तो इसने तो ये कहा कि इन दोनों ब्लॉक के बीच में बताओ तो इन दोनों ब्लॉक के बीच में एक्शन रिएक्शन जो है वो सिर्फ एन डैश है. ये एक्शन रिएक्शन पेयर है केवल एन डैश है. बात सुन में आई केवल एन डैश है भाई क्लियर है सर. नेक्स्ट हमारे पास में ए सेवन का वन ये कह रहा है कि ड्रॉ द एफबीडी फॉर फॉलोइंग इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम बताना है ना. तो चलो एबीडी बनाते हैं इसका पहले का. तो यहां देखो ध्यान से ये एक ब्लॉक है. अब आप यहां लग रहा हो कि सर ये तो दोनों कॉन्टेक्ट में है इनके बीच में तो नॉर्मल फोर्स होना चाहिए दोनों ब्लॉक के बीच में. नहीं होगा नॉर्मल जीरो होगा क्यों क्योंकि अगर नॉर्मल हुआ तब तो ये ब्लॉक इधर मुंह कर जाएगा. अगर इसको क्योंकि नॉर्मल इधर लग रहा होगा इसको नॉर्मल इधर लग रहा होगा तो ये ब्लॉक इधर मुंह कर जाना चाहिए. लेकिन ये तो दोनों पास में ही है इनके बीच में लेकिन दोनों क्या रेस्ट पर है और ये स्मूथ सरफेस पर रखे हुए दोनों कहाँ है स्मूथ सरफेस पर है. तो उस केस में क्या होगा नॉर्मल क्या है यहाँ
जीरो ही है इन दोनों के बीच में, लेकिन इंडिविजुअल का एफबीडी बनाएंगे तो इसका मास एम वन है, इसका मास एम टू है, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो ग्राउंड से भी फोर्स लग रहा होगा यहाँ, तो यहाँ इसको जो फोर्स लगेगा वो एन वन है और ग्राउंड को एन वन लगेगा, डाउनवर्ड इसको एम वन जी लगेगा और इनके बीच में कोई कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं है, तो और इसको वर्टिकल में एन टू लगेगा, डाउनवर्ड इसको एम टू जी लगेगा और इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स क्या होगा? जीरो। क्योंकि अगर नॉर्मल हुआ, आप खुद ही देखिए, अगर मान लो इसको नॉर्मल इधर होता तो इधर पुश कर जाएगा ना, अगर इसको भी इधर होता तो ये उधर पुश कर जाता, लेकिन यहाँ नहीं है तभी तो रेस्ट पर है, इसका मतलब है इन दोनों के बीच में नॉर्मल क्या है? जीरो है। आई बात सुन में? तो ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ये इन दोनों का एफ बी डी हो गया। फिर किसी ने पूछा सर डीबी बताओ, तो डीबी बता देते हैं। तो डी में क्या हो रहा, देखो इसका एफबीडी बनाना है अपने को, तो पुली आर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। तो देखो कैसे ये सिस्टम है हमारे पास में, सर वो फर्स्ट क्वेश्चन में उधर n2 भी आएगा ना? हाँ यहाँ आएगा ना, n2 आएगा, बिल्कुल आएगा। ओके ये आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, इसका मास m1 है, ये जो लिफ्ट है या जो बॉक्स है उसका मास m2 है, और यहाँ ये एक रोप से इस सीलिंग से ये अटैच है इस तरह से, इसका भी FBD बनाओ, ठीक है। इसका FBD बना लेते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ दोनों का FBD यही बना लेता हूँ, थोड़ा इसको बड़ी साइज कर लेता हूँ। तो इसको हवा में ले जाओ, तो इस आदमी को मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है एन वन, तो उतना ही नॉर्मल इसको लगेगा ना, और इसको डाउनवर्ड अर्थ की वजह से फोर्स आ रहा है वो तो एम वन जी है, इसको भी नीचे फोर्स आ रहा है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एम टू जी है, और इसको यहाँ से देखेंगे हम लोग तो यहाँ इसको टी लग रहा होगा, इसको डाउनवर्ड टी लग रहा होगा, और ये सीलिंग है तो यहाँ भी टी होगा और यहाँ भी इसको टी लग रहा होगा, ये इसका एफबीडी आ गया, तो दोनों का एफबीडी बना दिया मैंने, ठीक है ना। अगर इसमें पूछा जाए कि एन वन की वैल्यू क्या है, तो क्योंकि रुका हुआ सिस्टम है एन वन की वैल्यू क्या है यहाँ, लेकिन एम वन जी है, ओके। और अब पूछा जाए कि टी की वैल्यू क्या है, तो इस बॉक्स को देखो, सिर्फ बॉक्स पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, टी लग रहा है, एन वन लग रहा है और एम टू जी लग रहा है, तो ये तो हुआ फॉर मैन फॉर बॉक्स, तो बॉक्स पर आप देखो T इक्वल टू क्या लगेगा आपको, N1 प्लस एम टू जी, और N1 की वैल्यू अपने पास में ही, तो एम वन जी प्लस एम टू जी, तो ये हमारे पास में टेंशन आ जाएगा, इतना टेंशन वहां लग रहा होगा, ओके। तो ये भी हो गया। फिर कहा कि सर H भी बताओ, H पे चले जाते हैं, एच का डायग्राम कैसा देखो, ये हमारे पास में है और ये दूसरा ब्लॉक है यहाँ, ये रॉप है,
और ये पुली है जिसको यहाँ ऐसे फिक्स किया हुआ है, और यहाँ ये ब्लॉक है, ठीक है। तो तीन ब्लॉक है यहाँ, ये M1 है, ये हमारे पास में M2 है, और ये जो ब्लॉक है यहाँ, ये वाला जो ब्लॉक है ये M3 है, ओके। इसका FBD की बात कर रहा है, तो यहाँ FBD बना लेते हैं इसका। इसका FBD कैसे बनेगा, इसको सीधा करता हूँ इसे। इसका एबीडी बनाना है तो करते हैं, चलो। तो क्या होगा, पहले इस M1 का बनाते हैं। तो यहाँ इस M1 पे देखो, ऊपर की तरफ N1 लग रहा होगा, डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा होगा, M1G लग रहा होगा, इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, इसको T लग रहा होगा। तो ये तो हुआ FBD ऑफ M1। अब बात करते हैं M2 के बारे में। तो FBD ऑफ M2, तो यहाँ भी कांटेक्ट में है और यहाँ भी कांटेक्ट में है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो यहाँ से मान लेते हैं इसको N2 लग रहा है, इधर से मान लेते हैं N3 लग रहा है, ऊपर से इसको T लग ही रहा होगा, और डाउनवर्ड इसको M2G लग रहा होगा। तो इसका FBD आ गया, है ना, क्योंकि यहाँ कांटेक्ट में है, यहाँ कांटेक्ट में इधर है। उसके बाद हो गया FBD ऑफ M3 की बात करेंगे, तो M3 पे चले जाओ, तो इसका FBD बनाएंगे तो ग्राउंड से इसको लग रहा होगा यहाँ, है ना। तो यहाँ से भी इसको नॉर्मल लग रहा है, मान लेते हैं N4 लग रहा होगा, तो ग्राउंड को ये N4 दे रहा होगा, या इसको इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, N3 लग रहा होगा, या इधर की तरफ क्या लग रहा होगा इसको N2, क्योंकि यहाँ इसको N2 इधर लग रहा है ना, इसको उधर लग रहा होगा, या इसको N1 लग रहा होगा, और डाउनवर्ड इसका अपना वेट है, तो इसको एम थ्री जी भी लग रहा होगा, ये इसका एफ बी डी आ गया, ठीक है, क्योंकि इसको N1 ऊपर लग रहा है ना, इस सरफेस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ, है ना, किस सरफेस की बात कर रहे हैं हम लोग, इस सरफेस को, तो N1 यहाँ लग रहा है इसको ऊपर की तरफ, ओके, तो उसको नीचे की तरफ लगेगा ना यहाँ, तो ये इसका एफ बी डी आ गया। क्लियर है भाई सबको, कि कोई डाउट है इसमें भी, नहीं है तो आगे चले। तो ये हो गया, नेक्स्ट है हमारे पास में जी सर। हाँ बोलो। हाँ, ये M3 में पुली का कोई फोर्स आएगा सर? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, सही तो है। तो यहाँ क्या होगा, ये पुली यहाँ है ना, ये पुली भी तो इसके साथ फिक्स है, तो ये पुली पर भी तो आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। तो इसको इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, टी लग रहा होगा, और इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, इसको टी लग रहा होगा, ये भी तो काउंट करेंगे, बिल्कुल आएगा। ये सारी चीजें आ गई, ये यानी ये फोर्सेस इसके ऊपर हो गए M3 ब्लॉक के ऊपर, ओके। इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में जी। जी में क्या कह रहा भाई, इसका भी एफबीडी बनाएंगे, तो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है ना, और ये पुली है, और यहाँ ये मास इसमें अटैच है, ये M1 है,
ओके, और ये मास यहाँ अटैच है, ये एम टू है, और ये जो है ये एम थ्री है हमारे पास में, है ना। तो ये हमारे पास में है, अब इसका एबीडी बनाओ। तो चलो बनाते हैं एक एक करके, पहले एम वन का बना लेते हैं। तो एम वन का देखेंगे आप, तो क्या देखो, एम वन का एबीडी देखो आप, एम वन पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो एक तो डाउनवर्ड एम जी लगी रहा है इसको, यानी वो तो एम वन जी हो जाएगा, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, और इधर से क्या लग रहा है इसको, एन वन लग रहा है ना। ये तो एफ बी डी किसका हो गया, एम वन का हो गया। फिर एम टू का वीडियो चला गया, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर। अभी हो रहा है? नहीं हो रहा। अभी भी नहीं हुआ? अभी हुआ सर। हो गया ना। अभी हो रहा है? हाँ सर। तो ये हमारे पास में M1 को मैंने मतलब तो M1 जो है उसका FBD हो जाएगा, है ना। यहाँ से देखेंगे तो नॉर्मल इसको उधर की तरफ लग रहा है, T इसको इधर की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड M1 है। उसी तरह M2 का देखो आप, M2 का FBD की बात करोगे तो M2 पे देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, डाउनवर्ड इसको MG लग रहा है, यानी M2G, या इसको N2 लग रहा होगा, और इसको इधर की तरफ क्या लग रहा है, T लग रहा है। ओके, क्योंकि इस पूरी रॉप में सब जगह टेंशन क्या हो गया, सेम, क्योंकि इनएक्सटेंसिबल और मासलेस रॉप है, पूरी रॉप के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। इस केस में ये लगेगा। अब इसकी बात करते हैं M3 की, M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो ये M3 है, ये ग्राउंड है, तो यहाँ इसको इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, N1 लग रहा होगा, है ना, क्योंकि N1 उसको उधर लग रहा है, 90 डिग्री पर लगेगा ही लगेगा। उसी तरह इसको इधर क्या लग रहा होगा, N2 लग रहा होगा, क्योंकि ब्लॉक पर लग रहा है, ये पुली है हमारे पास में, तो इसका मतलब इधर क्या लग रहा होगा, इसको T लग रहा होगा, इसको भी क्या लग रहा होगा, यहाँ T लग रहा होगा, यहाँ से भी इसको नॉर्मल लग रहा है, मान लेते हैं N3 लग रहा है, और साथ में डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा होगा, यहाँ M3G लग रहा होगा। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ओके, ये हमारे पास में आ गया, ये 90 डिग्री होगा, ये इसका एफबीडी आ गया, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्लियर है भाई। नेक्स्ट हमारे पास में ये सब हो गया। अब अच्छा, A5 भी था क्या, बताया कि मैंने A5 क्या था, हाँ बताया। नेक्स्ट हमारे पास में B4, चलो भाई B4 पे चलते हैं। अब B4 में क्या कह रहा है, a cylinder of weight W is resting on a fixed V groove as shown in the figure. तो ये हमारे पास में ऐसा है, ठीक है, तो ये इसको इधर एक स्मूथ इंक्लाइंड, ये भी समझ सकते हो आप, ये इंक्लाइंड प्लेन है मान लो, है ना। तो ये ऐसे इसके बीच में सिलेंडर है, ये जो एंगल दिया है ये 60 डिग्री है, ये एंगल दिया है ये भी 60 डिग्री, और ये एंगल भी 60 डिग्री है। ये हमारे पास में सिलेंडर रखा हुआ है, क्या कह रहा है, सिलेंडर ऑफ वेट W इज रेस्टिंग ऑन अ फिक्स्ड V ग्रूव एज शोन इन द फिगर, ड्रॉ द एबीडी, निकाल लेंगे, कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शंस बिटवीन द सिलेंडर एंड द टू इंक्लाइंड वॉल्स। ये इंक्लाइंड वॉल्स है, उसके बीच में सिलेंडर है ये, तो
क्या हो जाएगा देखो, अगर इसको टॉप से देखोगे तो सिलेंडर कैसा नजर आएगा, देखो ये सिलेंडर ऐसे रखा होगा, अगर टॉप से देखोगे तो सिलेंडर ऐसा होगा ना, ओके ये ऐसे सिलेंडर होगा टॉप व्यू देखोगे तो, इसका एफबीडी बनाओ पहले, तो आप देख रहे हो कि ये सिलेंडर है यहाँ, इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा W, और आप देखो कि नॉर्मल जो है क्योंकि ये रेस्ट पर है तो नेट फोर्स क्या होगा जीरो, तो मैंने मान लिया कि इस वॉल से जो नॉर्मल लग रहा है इसको, यानी इस वॉल से जो नॉर्मल लग रहा है वो मैंने मान लिया कि एन वन है ना, ये 90 डिग्री एंगल होगा, और इधर से जो नॉर्मल लग रहा है ये भी 90 डिग्री, इसको मैंने मान लिया कि एन टू है, हमें तो पता ही नहीं, मान लिया ऐसे, इसका मतलब ये क्या लग रहा है इसको एन वन है और इधर से जो लग रहा है इसको वो क्या मानेंगे एन टू है, और मैंने हमेशा पहले भी बोला था कि कोई भी सर्कुलर बॉडी अगर है, सिलेंडर हो, स्फीयर हो, रिंग हो, हमेशा नॉर्मल कहाँ से पास होगा, सेंटर से पास होगा, इस पॉइंट को ध्यान रखना है, हमेशा कहाँ से पास होगा सेंटर से। अब यहाँ देखो ये हमें मालूम है कि एंगल कितना मिलेगा, तो सिमेट्री है तो देखो वैसे देखा जाए तो ये एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये 30 डिग्री होगा, ये कितना हो गया 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, और ये भी क्या मिलेगा आपको 60 डिग्री, इसका मतलब है कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री होगा और ये एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री होगा, इस एन वन एन टू को रिजोल्व कर लेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो वर्टिकल में तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो एन वन साइन 60 और इधर क्या होगा एन टू साइन 60, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि हमें मालूम है कि समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इसका मतलब हुआ कि एन टू साइन 60 माइनस एन वन साइन 60 और साइन 60 तो जीरो हो नहीं सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि एन वन इक्वल टू क्या होना चाहिए, यानी देयर फॉर एन वन इक्वल टू एन टू होना चाहिए। वर्टिकल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एन टू कॉस, एन टू कॉस 60, और उसी तरह वर्टिकल में उसकी बात करेंगे तो क्या मिलेगा आपको एन वन cos 60, तो वर्टिकल में भी यानी समेशन एफ आई भी क्या होना चाहिए अगर रेस्ट पर है तो जीरो होना चाहिए, इसका मतलब हुआ एन वन cos 60 प्लस एन टू cos 60 और माइनस w इक्वल टू जीरो, दोनों इक्वल ही है, ये मिल गया यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 2n1 cos 60 इक्वल टू क्या होगा w ना, और आप देख रहे हो कि 2n1 into 1/2 इक्वल टू w, तो आप देख रहे हो कि n1 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ w आ गया, और वही क्या हो जाएगा n2 भी हो जाएगा, तो ऐसा क्यों हुआ लेकिन ये सब इक्वल आ गए, तो याद है मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, मान लेते हैं कि ये पॉइंट मास है, तो इसको इधर क्या लग रहा है एन वन लग रहा है, इसको इधर क्या लग रहा है एन टू लग रहा है ना, और डाउनवर्ड क्या लग रहा है इसको डब्लू लग रहा है, आप ये देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री है, अगर 120 है तो ये भी तो 120 है और ये भी तो 120 है ना, तीनों के 120 है, इसका मतलब तीनों फोर्सेस क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, तभी तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं तो लामिस थ्योरम लगा दो, लामिस थ्योरम क्या कहती है, या साइन रूल लगा दो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। तो क्या लिखोगे आप एन वन बाई साइन 120 इक्वल टू एन टू बाई साइन 120 इक्वल टू डब्लू बाई साइन 120, देखो इक्वल आ गए ना, देयर फॉर एन वन इक्वल टू एन टू इक्वल टू डब्लू, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास में B5, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो आगे चलें। नहीं है, चलिए B5 B5 में क्या हो रहा देखो, यहाँ क्या दिया हुआ है अपने को, एक स्मूथ स्फेयर है,
और एक इंक्लाइन और एक वर्टिकल वॉल के बीच में ये और रेस्ट पर है. तो ये ए इंक्लाइन प्लेन है, ये वर्टिकल वॉल है बी, और ये एंगल कितना दिया 30 डिग्री दिया. क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ 50 kg होमोजेनियस स्मूथ स्फीयर रेस्ट ऑन द 30 डिग्री इंक्लाइन ए एंड बियर्स अगेंस्ट द स्मूथ वर्टिकल वॉल बी, कैलकुलेट द कॉन्टैक्ट फोर्सेस एट ए एंड बी बताना है. चलिए करते हैं, फिर से इसका एफबीडी बनाते हैं, है ना. तो एफबीडी बनाओ, तो यहाँ देखो पहले तो इसको यहाँ नॉर्मल लगेगा जो कि हॉरिजेंटल होगा पूरी तरह से, क्योंकि वर्टिकल वॉल इसके 90 डिग्री पर होता है ना. कहाँ से पास होगा, सेंटर से पास होगा, यहाँ से नॉर्मल है, ये भी सेंटर से पास होगा. तो ये जो नॉर्मल है इसको मैंने लिया एन ए, और ये जो नॉर्मल है इसको मैं ले रहा हूं एन बी. है ना, तो ये हो गया एन ए, और डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है यहाँ एम इंटू जी ना, जो कि क्या है डब्ल्यू है. तो आप चाहो तो इससे भी कर लो कि यहां से देखो इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है डब्ल्यू, जो कि एम इंटू जी. एम कितना 50 इंटू जी, जी कितना दिया इसने, तो जी नहीं दिया, तो जी को मैं 10 ले रहा हूँ यहाँ, है ना. जी की वैल्यू क्या है यहाँ 10 m/s² है, तो 10 तो कितना आ गया हमारे पास में 500 N. उसके बाद ये नॉर्मल देखो, ये नॉर्मल ऐसे जा रहा है, ये नॉर्मल क्या है यहाँ एन ए, और एक नॉर्मल इसको इधर जा रहा है एन बी. इन दोनों के बीच में तो एंगल 90 डिग्री है. अब यहाँ एंगल देखना पड़ेगा, तो हमें यह मालूम है कि ये एंगल कितना निकल के आता है, ये एंगल 30 डिग्री निकल के आएगा. ये मालूम है भाई कैसे बोला मैंने, क्योंकि इसको आगे बढ़ाओ, है ना, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये 30 है, तो ये कितना हुआ 60 हुआ ना, 60 हुआ तो ये कितना हुआ 30 हुआ ना, तो फिर ये कितना हुआ 30 हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा एंगल 120 डिग्री हुआ, क्योंकि ये कितना है 90 डिग्री है. तो फिर अगर ये 120 है तो सीधी सी बात है कि ये एंगल कितना है यहाँ 60 डिग्री है, तो फिर ये एंगल कितना हो गया 150 डिग्री ना, और ये एंगल कितना हो गया ये 90 डिग्री ना. तो लगा दो फॉर्मूला, यानी कौन सा साइन रूल या लामीज थ्योरम. तो क्या हो जाएगा एन ए बाई साइन 90 इक्वल टू एन बी बाई साइन 150 इक्वल टू डब्ल्यू बाई साइन 120. एन ए साइन 91 एन बी साइन 150 कितना होता है 1/2, क्योंकि साइन 180 माइनस 30 लिख सकते हो. उसी तरह इसको क्या लिखते हो आप √3/2 ले रहे. तो यहाँ से देखो √2 आपसे आप कैंसिल आउट हो गया, तो एन बी इन दोनों को साथ ले रहा हूँ मैं, तो एन बी इक्वल टू क्या आ गया डब्ल्यू बाई √3. डब्ल्यू की वैल्यू तो 500 / √3 N. ओके, उसके बाद आप इन दोनों को साथ ले लो चाहो तो ये हो जाएगा हमारे पास एन ए इक्वल टू 2 N b. तुम्हारे पास आ गया 2 × 500 / √3. तो एन ए की वैल्यू कितनी आ गई 1000 / √3 N. यही आंसर है. पॉइंट सेवन में आया सबको, कोई डाउट है. मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ सर. क्लियर है सबको? यस सर. यस सर. ओके चलो नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट है एन बी फाइव हो गया, बी सिक्स पे चलते हैं.
अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। बीच में पता नहीं क्या हो गया था, ब्रेक हो गया था। रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना आप? यस सर। यस सर। तो मैं कहाँ तक पहुंच गया था तब ब्रेक हुआ था? ये क्वेश्चन चल रहा था ना? आप 26 शुरू कर रहे थे। बी सिक्स शुरू कर रहे थे सर आप। अच्छा, शुरू किया था क्या? फिर से बताना पड़ेगा। देखो बी सिक्स क्या था, इसको शुरू से करते तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसमें क्या हो रहा है दरअसल कि ये एक स्फीयर है और ये इंक्लाइंड प्लेन है, और एक इंक्लाइंड प्लेन ये है। ओके, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है और ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। ओके, तो हमें ये नॉर्मल फोर्स बताना है। तो यानी आप देखो, अगर इस वाले ऊपर वाला जो इंक्लाइन प्लेन है, मैंने मान लिया कि ये ए बी और ये बी सी इंक्लाइन प्लेन है, तो यहाँ जो इसको नॉर्मल लग रहा है यहाँ से, वो मैंने मान लिया कि एन वन होगा, ये 90 डिग्री एंगल है, और यहाँ से जो नॉर्मल लग रहा है, ये दोनों नॉर्मल कहाँ से पास होंगे? इस स्फीयर के सेंटर से पास होंगे, पहले बात होगी थी हमारी। तो इसको क्या लग रहा होगा? एन टू लग रहा होगा। ओके, अब इन दोनों को क्या करेंगे? रिजोल्व करेंगे। तो पहले मैं एन वन की बात कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हो कि ये हमारे पास में ये स्फीयर है, तो आप देख रहे हो कि इसको इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, ये एंगल कितना होगा? 45। तो यहाँ इसको नॉर्मल इधर की तरफ क्या लग रहा है? एन वन लग रहा है, और इसको इधर की तरफ लग रहा होगा एन वन। ओके, अब इसको रिजोल्व करेंगे हम लोग। ये सेंटर है, तो ये वर्टिकल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ। तो आप देख रहे हो कि 90 डिग्री है, ये 45, तो ये एंगल कितना होगा? ये भी 45 होगा, इसका मतलब भी 45 होगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना हुआ? 45। यानी एन वन को रिजोल्व कर सकते हैं हम लोग। एन वन क्या मिलेगा? एन वन साइन 45 डिग्री, और इधर क्या मिलेगा? एन वन कॉस 45 डिग्री। तो ये तो हमारा एन वन आ गया। अब एन टू के लिए बात कर लेते हैं। तो ये एंगल कितना हमारे पास में? 30 डिग्री। इधर क्या लग रहा है इसको? इसको एन टू लग रहा था, है ना? यहाँ भी इसको रिजोल्व करेंगे। ये सेंटर से पास हो रहा है इस लाइन को, तो वर्टिकल लाइन है, इसको आगे बढ़ाओ। आप देख रहे हो 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो ये भी 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया हमारे पास में? 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो फिर एंगल भी कितना हुआ? 30 डिग्री। इसको रिजोल्व कर लो। तो एन टू साइन 30 और वर्टिकल में एन टू कॉस 30। ओके, ये हमारे पास में एन वन एन टू को रिजोल्व कर लिया। अब यहाँ मैंने इसको पॉइंट मास मान लिया, तो मैंने एन वन को एक तो इधर रिजोल्व किया था, क्या मिला था? एन वन साइन 45 डिग्री, और एक इधर मिला था एन वन कॉस 45 डिग्री। मैंने एन टू को रिजोल्व किया था, इधर क्या मिला मुझे? एन टू साइन 30 और वर्टिकल में क्या मिला मुझे? एन टू कॉस 30 और डाउनवर्ड, तो वेट तो है, इसका मतलब इसमें समेशन एफ एक्स क्या होना चाहिए? जीरो। समेशन एफ एक्स जीरो होने का मतलब हुआ एन एन वन साइन 45 डिग्री माइनस एन टू साइन 30 इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एक इक्वेशन तो ये आ गई। यानी कहने का मतलब है कि एन वन बाई रूट टू इक्वल टू एन टू बाई टू,
इसका मतलब हुआ कि n2 इक्वल टू क्या हो गया, 2 n1 बाई रूट टू, यानी n1 रूट टू, ये n2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में। ओके, अब वर्टिकल की बात करें तो समेशन f y इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि n2 cos 30 इक्वल टू w प्लस n1 cos 45 डिग्री, ये होना चाहिए। n1 n2 की वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ रख दो, इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, n1 रूट टू इन टू रूट थ्री बाई टू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एन वन बाई रूट टू। तुम्हारे पास आ गया दरअसल ये रूट थ्री बाई रूट टू एन वन माइनस एन वन बाई रूट टू इक्वल टू डब्ल्यू। एन वन को बाहर ले लो, बाई रूट टू को भी बाहर ले लो, तो रूट थ्री माइनस वन इक्वल टू डब्ल्यू, यानी एन वन की वैल्यू आ गया हमारे पास में डब्ल्यू रूट टू डिवाइडेड बाई रूट थ्री माइनस वन, और W की वैल्यू अपने को पता ही है। W की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे तो W इक्वल टू क्या हुआ, 5 इंटू जी, यानी कितना हो गया 50 न्यूटन। तो W हमारे पास आ गया 50 न्यूटन, रख दो यहाँ, तो हमारा आंसर आ जाएगा एन वन आ जाएगा, फिर एन टू भी आ जाएगा उसी तरह। इस वैल्यू को कहाँ रखोगे आप, इस वैल्यू को यहाँ रख दोगे तो आपको वो सब मिल जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक क्लियर है भाई, आवाज आ रही मेरी? हेलो, यस सर, यस सर। तो ये सब हो गया था, अब हम सर एक मिनट ये कॉपी कर रहे हैं। हाँ कर लीजिए, ऊपर ऊपर लेके जाऊं क्या? नहीं सर, लास्ट वाला ही कर रहे हैं। सर आप इसका स्क्रीनशॉट भेजने वाले हैं? हाँ क्या हुआ सर, आप इसका सर लास्ट वाला? हाँ हो गया ना, वो लिख लिया। हाँ क्या कह रहे हो सर, आप इसका स्क्रीनशॉट भेजने वाले जैसे आपने पिछली बार भेजा था? स्क्रीन नहीं, वो हो गया ना, काफी सारे क्वेश्चंस हो गए ना, उनको करो अच्छे से तैयार करो, ठीक है? क्योंकि अभी फिर इस वीक कोई क्लास भी नहीं है ना, तो वो डिस्कस भी नहीं हो पाएगा फिर ये, इसलिए जो करवाए उसको अच्छे से तैयार करो आप अभी। हो गया सर, हो गया ना, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नहीं करवाए ना आपको, एग्जांपल 13 करवाया क्या, 13 14 करवाया क्या? मुझे बताएंगे आप एग्जांपल 13 14 करवाया क्या? सर आपने सिर्फ 13 ही किया था आगे के नहीं कहना, चलो ठीक है। नहीं लेकिन ये तो करवाया होगा 13, तो 13 तक ही हुआ है। हाँ 13 करवाया ना, अच्छा ठीक है, चलो फिर आगे के एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल 14, टू ब्लॉक्स M1 एंड M2 आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर, इफ दे आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मास M1 एंड M2, टेंशन इन द स्ट्रिंग, नेट फोर्स ऑन पुली एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग, है ना? तो देखो क्या मतलब है, यहाँ हमारे पास में ये सिस्टम दिया हुआ है,
तो ये पुली है यहाँ और ये रॉप है और ये ब्लॉक यहाँ अटैच है। ये M1 इक्वल टू रूट थ्री के जी दिया हुआ है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये रॉप यहाँ से आ रही है ऐसे। इसका मास M2 इक्वल टू 1 के जी है। अब यहाँ जो रॉप है फिर से डिस्कस कर लेते हैं, रॉप क्या है यहाँ, इनएक्सटेंसिबल है पहला पॉइंट, दूसरा रॉप का मास 0 है, रॉप और पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। ओके आ रही बात सुन में, तो एक तो क्या रखना है, रॉप क्या है यहाँ या जो स्ट्रिंग है वो क्या है, इनएक्सटेंसिबल है, मास लेस है। ओके मास लेस है, इनएक्सटेंसिबल है और नो फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड रॉप। तो ये एक तो ये ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं आइडियल कंडीशन। जब भी ऐसा कहीं जगह लिख देगा आइडियल है, मतलब ये जो मैं बोल रहा हूं वही है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा है तो उस केस में पुली के दोनों साइड, क्योंकि पुली के दोनों साइड अगर आप जाओगे यानी इस साइड और इस साइड, तो टेंशन क्या लेना है, सेम लेना है। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ये जो इंक्लाइंड है ये तो फिक्स है, इंक्लाइंड क्या है यहाँ फिक्स है। ओके अब एक एक करके बात करते हैं, पहले M1 का एबीडी बना लेते हैं। तो M1 का जब आप एबीडी बनाओगे है ना, तो एफ बी डी ऑफ M1 तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, डाउनवर्ड इसको M1G लग रहा है, इधर इसको T लग रहा है और यहाँ इसको नॉर्मल लग रहा है, मान लेते हैं N1 नॉर्मल है। लेकिन ये ब्लॉक अगर मूव करेगा तो इसके अलोंग ही मूव करेगा, या तो इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा, तो कोई भी एक डायरेक्शन मानेंगे हम लोग, कोई भी एक डायरेक्शन मान लेंगे। तो मैंने मान लिया कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने मान लिया ये इस डायरेक्शन में जा रहा है एक एक्सेलरेशन से, तो सारे फोर्सेस को हम लोग क्या करेंगे, इसके अलोंग और इसके अलोंग रिजोल्व कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर फोर्स यानी इस डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट ही नहीं है, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, तो सारे फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो एम जी का आपको तो समझ में आ गया होगा कि इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एम वन जी साइन 30 और एक कंपोनेंट इसका इधर क्या हो जाएगा, एम वन जी कॉस 30। इसका मतलब है कि यहाँ N1 की जो वैल्यू है वो तो M1G cos 30 होगा और नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आप F इक्वल टू MA लिखोगे, तो क्या लिखोगे, F इक्वल टू MA लिखना है, तो नेट फोर्स उस डायरेक्शन में कितना है, नेट फोर्स उस डायरेक्शन में है M1G sin 30 माइनस T इक्वल टू M1 into A, इक्वेशन नंबर 1। ये क्लियर है पहले तो ये बताओ, फिर आगे की बात करेंगे, पहले ये तो क्लियर हो। और N1 M1G cos 30 इसको बैलेंस कर दे रहा है, तो सारे फोर्सेस को हमेशा परपेंडिकुलरली क्या करेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हम लोग रिजोल्व करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। और फिर देखेंगे किस डायरेक्शन में मूवमेंट है, अगर उस डायरेक्शन में मूवमेंट है तो उस डायरेक्शन में F इक्वल टू MA अप्लाई कर देंगे, और उसके परपेंडिकुलर अगर मूवमेंट नहीं है तो वहां सारे फोर्सेस को बैलेंस करा देंगे। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। हाँ अब बात करते हैं एफबीडी ऑफ M2 के बारे में। तो M2 हमारे पास में ऐसा है, इसको ऊपर की तरफ क्या लगेगा, T लगेगा, डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है, M2G लगेगा, और इधर इसको क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। यहां भी रिजोल्व कर लेंगे,
तो यहाँ क्या आ जाएगा, लेकिन जब रिजोल्व करोगे तो ये मिलेगा एम टू जी साइन 60, और इसका एक कंपोनेंट क्या मिलेगा एम टू जी कॉस 60। सॉरी भाई, ये जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, ये जो रिजोल्व कर रहा हूँ वो पॉइंट भी क्लियर हो रहा है सबको? तो आप देखो कि अब देखो मैंने क्या कहा, रॉप इनएक्सटेंसिबल है। जब रॉप इनएक्सटेंसिबल होता है तो जो इसका एक्सलरेशन होगा वही एक्सलरेशन इसका भी होगा, क्योंकि जिस तरह से इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग मूव करेगा तो ये इसी इंक्लाइन प्लेन दूसरे इंक्लाइन प्लेन पर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि रॉप में ये स्प्रिंग की तरफ बिहेव नहीं कर रही है। इसका मतलब दोनों का एक्सलरेशन मैग्नीट्यूड में क्या होगा, सेम होगा। ये बात समझ में आ गई सबको? पहले तो आगे चले, यहाँ भी इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, कितना होगा a होगा। यहाँ एक तो n2 बैलेंस कर जाएगा तो कौन, यानी m2g टू जी कॉस 60, और उस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या लिखोगे, f इक्वल टू एम ए लगाओगे। तो आप देख रहे हो कि t माइनस m2g टू जी साइन 60 इक्वल टू एम टू इन टू ए। तो आपके पास में एक इक्वेशन यह थी, दूसरी इक्वेशन ये है, दोनों ने दो इक्वेशन है दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें ए मिल जाएगा। तो वन प्लस टू, उससे टी क्या हो गया, देखो दोनों को ऐड करेंगे तो एक में प्लस टी एक में माइनस टी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एम वन जी साइन 30 माइनस एम टू जी साइन 60 इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इन टू ए हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, देखो m1 की वैल्यू क्या है तो आप रख लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। अब अगर a की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो आंसर वही है, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी m1 की ऊपर हो जाएगी, m2 की डाउनवर्ड हो जाएगी, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर a पॉजिटिव आ गया तो जो माना वही आंसर हमारा रहेगा, ठीक है? तो ये हमारे पास में इसमें कॉन्सेप्ट है। अब a मिल गया, इस a की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिएगा तो आपको t भी मिल जाएगा, ओके? तो ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। अब बात करते हैं इसकी पुली पर कितना फोर्स है, रोप लगा रही है, तो यहाँ इसका भी बनाओ। तो ये पुली हमारे पास में, ये एंगल 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। मेरी आवाज आ रही ना आप लोगों को? हाँ सर। ये 90 डिग्री है, तो इस पुली पर देखो इधर की तरफ क्या लग रहा है, इसको टी लग रहा है, और इधर भी क्या लग रहा है, टी लग रहा है। इन दोनों के बीच में एंगल देखो 90 डिग्री है, इसका मतलब रोप पुली पर कितना फोर्स लगा रही है, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस टू टी स्क्वायर कॉस 90 का ऑल स्क्वायर, इतना टी डैश। तो टी डैश आप देख रहे हो तो जीरो ही हो गया, कितना आ गया टी रूट टू, और टी आप वहां से निकाल ही लोगे इन दोनों इक्वेशन से, ठीक है, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन को मिला के आपको टी मिल जाएगा। तो आप यहाँ रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है भाई सबको? कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। सर जो दो दो ब्लॉक्स रहते हैं उनका एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड में सेम रहता है? हाँ, जब स्ट्रिंग से कनेक्टेड होंगे ऐसे डायरेक्ट, तब ओके जब स्ट्रिंग से डायरेक्ट कनेक्शन होंगे तब। देखा ना, तो आपको ही पता है, आप घर पे देख लो ना, दो मोबाइल को आप रोप से कनेक्ट करेगा, एक मोबाइल को खींचेगा दूसरा मोबाइल इसके साथ ही तो चल रहा होगा ना। हाँ, ऐसा तो नहीं कि एक मोबाइल आगे चल रहा तो पीछे वाला कहीं दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आपने कभी देखा होगा कि टो करके जो ले जाते हैं गाड़ी को, उसमें भी ऐसा होता है, रोप से कनेक्ट करते हैं ना, तो एक कार जो आगे वाली कार जा रही हो तो पीछे वाली कार भी उसके पीछे पीछे जा रही होती है। इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम। दोनों की स्पीड, मतलब दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम। लेकिन ये उसी केस में होगा जब रोप इनएक्सटेंसिबल है, यानी इनएक्सटेंसिबल का मतलब उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं हो रहा होगा तब। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट है। ओके, तो चलो आज इतना ही करेंगे हम लोग, फिर आपका एग्जाम भी है ना, तो उसके लिए प्रिपरेशन करो अच्छे से। ओके,
क्योंकि उसमें एनएलएम तो आ नहीं रहा आपके। मेरी आवाज आ रही है ना सर? हाँ सर। ठीक है, तो एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन करो, है ना। उसमें एनएलएम के अलावा सारा आ जो भी पढ़ाया है, मैथमेटिकल टूल्स, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, तो जो पढ़ाया उसको अच्छे से तैयार करके जाओ। ठीक है, नोट्स को रिवाइज कर लो, वहां से जो क्वेश्चंस करवाए थे आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो, और जो एक्साइट टू है उसके क्वेश्चन भी कर लो, जो बचे हुए क्वेश्चन है। ओके, चलो फिर आज इतना ही करेंगे। यस सर, बाय सर। ओके ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय 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 बाय।